बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं आलू कीमा, तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, तो आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बना रहे हैं आलू कीमा हरी मिर्च। तो ये हमने 1 किलो कीमा ले लिया है, आधा किलो आलू ले लिए हमने, 4 टुकड़ों में काट लिया है, टमाटरों को 4 टुकड़ों में काट लिया है, हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज 2 काटनी है, अदरक गार्निशिंग के लिए ले लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ग्राइंड कर लिया है हमने। स्पाइसेस में जाएगा 1 टेबल स्पून सॉल्ट, हल्दी, कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 दालचीनी, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, गरम मसालों में ये जाएगा। ज़ीरा ऐड कर देंगे सबसे पहले हम ऑयल में। ज़ीरा ऐड करके इसे थोड़ा सा सौते करके इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को अच्छे से सौते कर लेंगे हम। प्याज जब अच्छे से सौते हमारी हो जाएगी तो फिर देन हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर अच्छे से भुनाई करेंगे। प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन हो जाए। जो न्यू है मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लहसुन अदरक ऐड करके मैंने इसे अच्छे से भुनाई कर दिए। ये मैंने कीमा ऐड कर दिया इसमें और इसकी अच्छे से भुनाई कर दिए। कीमे की अच्छे से बनाई कर देंगे। कीमे का जो पिंक सा कलर है इसे हमने वाइट कर लेना है बिल्कुल। कीमे की अच्छे से बनाई करनी है हमने। देख लीजिए साथ साथ इस तरह बनाई करते हुए चमचा चलाता जाना है। कीमे की अच्छे से बनाई हो रही है। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने जो टमाटर बीच में से 4 टुकड़े किए हुए थे इनको मैंने इस तरह से ऐड करा है ताकि मैं इसे ढक दूँ। ऐड करने के बाद तेज़ आंच पे ही हमने इसे ढक देना है 5 मिनट के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनके छिलके हम आराम से ऊपर से उतार सकते हैं। कांटे से किसी भी चीज़ से आप आराम से उतार सकते हैं। ये मैंने ढक दिया है तेज़ आँच पर रख के। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए रेसिपीज़ को। ये देखें टमाटर अच्छे से गल गया था, कितने आराम से इसका ये छिलका उतर गया। दूसरे का भी हम उतार के आपको दिखा देते हैं। ये देखें कितने आराम से इसका छिलका उतर गया। इस तरह मैं सबके छिलके ऊपर से हटा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें सबके छिलके उतार दिए हैं। अब इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे कीमे के साथ। भुनाई कर लेते हैं, अच्छे से इसकी भुनाई कर देंगे बिल्कुल। और ये देखें कितने सॉफ्ट हो गए थे कि एक ही बार स्पून इसमें लगाने से ये कितने जल्दी मैश हो गए बिल्कुल। ग्राइंड करके डालना चाहें टमाटर तो वो भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा आसान रहता है। देखें टमाटर कितने अच्छे से गल गए थे कि हमारे अच्छे से कीमे में ये हो गए। टमाटरों को अच्छे से हमने कर दिया है मैश, देख लीजिए। इसमें हम आलू ऐड कर देंगे अपने। आलू ऐड करके अच्छे से भुनाई करेंगे इसकी। 5 से 6 मिनट आलू डाल के भुनाई करेंगे। उसके बाद हम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, हल्दी, नमक, कुटी मिर्चें, लाल मिर्चें, गरम मसाला,
ला धनिया पाउडर और गरम मसाला साबुत। गरम मसाले डाल के मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर दी है। इसमें हाफ कप मैंने पानी ऐड करा है ताकि आलू अच्छे से गल जाए। और इसे ढक दिया है हाफ कप पानी डाल के मैंने। आलू अच्छे से गल रहे हैं। आलू अच्छे से गल गए थे, इसके ऊपर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक से गार्निश कर दिया है। ये तीनों चीज़ें इसमें डालना बिल्कुल मत भूलें, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक बारीक चॉप करके आप डालें इसमें। ये मैंने सर्व कर दिया इसे सर्विंग डिश में। इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया ऊपर से। दम पे भी आपने ऐड करना है और इस टाइम सर्विंग पे भी आपने ऐड करना है। हरी मिर्ची लगा देनी और दम पे दो चुटकी आपने गरम मसाला पाउडर भी डाल लेना है और उसे 5 मिनट के लिए ढक देना है। तो अब हम इसमें हरी मिर्ची गार्निश कर लेते हैं। जो नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब कर लें और जो मुझे सब्सक्राइबर हैं मेरे वो अच्छे से इसे लाइक करें, फुल वॉच करें, वीडियो को स्किप मत करें, शेयर कर दें फ्रेंड्स वगैरह में। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।